सविता देवी जो फंसे थे सुरंग में उत्तराखंड में, क्या उनका क्या नाम है और क्या लगते थे आपको? वो है, लड़का का नाम है संतोष कुमार, मैं उसका ताई लगती हूँ बड़ी। अच्छा, हाँ जी। क्या कल सुरंग से निकाले गए हैं, क्या उनसे बात हुई, कैसा लग रहा है आपको? मतलब मुझे बहुत खुशी हुई, उससे बात हुई, वीडियो कॉलिंग बात करा था, बोल रहा था कि ताई जी आप चिंता मत करो, कोई भी नहीं, हम आ रहे हैं कि मतलब कुछ देर के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। निकलने के बाद आपसे कब कितनी देर बाद बात हुई थी? जैसे निकल गया वहाँ से, सुरंग में से निकल गए थे, जैसे बात हो गई थी हम सबको, मतलब कि हम निकल आए हैं, बात बात करके कह रहे थे कि हम जा रहे हैं कहीं मेडिकल चेकअप में लेके गए थे, तो थोड़ी देर के बाद कह रहे थे कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए, ये बोल रहा था लड़का। कैसा लग रहा है इतने लंबे समय के बाद उनको निकाला गया सुरंग के बाहर? सुरंग में जब फंसा था लड़का तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है, जैसे भी 17 दिन वो जब अंदर था तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब वही लड़का के सहारा के लिए बैठे थे, उनके पापा नहीं थे, कि एक माँ के दिल में यही जानती है कि क्या बीच के दिल में क्या बीत रहा होगा, कि मतलब लड़का कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, फिर भी माँ को इतना टेंशन होती है, जब इतना हक्सा हो गया तो वो माँ के माँ ही जानती होगी कि उसके दिल में क्या बीत रही थी। मतलब हमारे दिल में ऐसे सबको महसूस हो रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है, सब चीज़ खो गया है, ऐसा लग रहा था। अब 17 दिन के बाद बाहर निकल गया है तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। नहीं, हमें अच्छा लगा कि वो निकल गए। 17 दिन तक हमने इंतज़ार किया, बहुत लंबा होता है 17 दिन, आधा महीने से भी ज़्यादा है। हम चाहते वहाँ के जो सरकार है, पुष्पर सिंह धामी जो आगे मुख्यमंत्री जी है, हम उनसे निवेदन करेंगे, उनका जो भी मेडिकल वो करना चाह रहे वो करके घर भेज दे, बस हम यही कहेंगे। 17 दिन कैसे बिता? 17 दिन तो हमें बहुत ही, मतलब क्या कहें, हम बहुत ही टेंशन था, क्योंकि कोई भी परिवार का होता, आपका होता, आपको भी होता, हर व्यक्ति का ऐसा होता। आज उनसे बात हुआ? नहीं, हम बात नहीं कर पाए, घर में सब ने बात किया, हम बात करेंगे अभी थोड़ी टाइम बाद, कॉल करेंगे। कैसा है वो? हाँ, वो तो अच्छे है, ऐसे बताया भैया ने बताया। बड़ी दुखी थी मैं, ना खाना ना पीना ना सोना, इतना मुश्किल में हम पड़ा था, लेकिन आज इसे तुरंत खबर मिला है कि हमारे जो लोग थाली में जितने लोग फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए सुव्यवस्था आज से सुना है और मिला है और देखा भी है, इसलिए हम बहुत आनंदित है, क्योंकि वो लोग ऐसा लगता है कि जो लोग हु हैड बीन बारीड इनटू द टनल इन द लिविंग, हु हैड बीन रेस्क्यूड बाय द हेल्प ऑफ द असम गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट एंड बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, वो लोग मिलकर, हमारे भगवान और दो सरकार मिलकर ये काम को सक्सेसफुल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं असम सरकार को भी धन्यवाद और भारत सरकार को भी धन्यवाद, और भगवान के लिए तो हम लोग हमेशा हम पूजा कर रहे हैं, इसलिए हम जय आदि असम और भारत माता की जय, हमेशा ये सक्सेसफुल काम के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस यही कहूँगी, थैंक्स अ लॉट, बिकॉज उन लोगों ने जितना हो सके उतना ट्राई किया, उनकी तरफ से बेस्ट ट्राई किया। तो हाँ हुआ, पिताजी ने बोला कि मैं ठीक हूँ, घबराने की कोई बात नहीं, अभी मेडिकल पे हूँ ट्रीटमेंट के लिए। तो कब तक आ जाएंगे? नहीं बताया। खाना हाँ दिन तो नहीं खाया, खाया थोड़ा बहुत।